अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। वीडियो में बात करेंगे हम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर शालीमार श्रीनगर की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन निकली है फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। तो वीडियो में जानेंगे इन डिटेल कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन इसमें एलिजिबल है, प्रोसीजर आपके साथ हम शेयर करेंगे। हम वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक जेके यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो यह एडमिशन नोटिस 2021 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स इनवाइट कर रहे ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम रेजिडेंट्स डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, रेजिडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फॉरन नेशनल्स and non-resident Indian, non-resident Indian sponsored candidates for admission to undergraduate degree programs in the following disciplines for the academic session 2021. Invite kar rahe online applications from candidates of residents domicile of UT of Jammu and Kashmir, UT of Ladakh, residents of other states and union territories, foreign nationals, non-resident Indian, non-resident Indian sponsored candidates for admission to undergraduate degree programs for academic session 2021. अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोग्राम्स की और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स जो है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री और बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है फॉर रेजिडेंट्स ऑफ डोमिसाइल ऑफ जे एंड के लद्दाख यूटी, तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी रखी गई है 10+2 कैंडिडेट ने पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पर जो परसेंटेज रखी गई है 50% आपके पास होने चाहिए मार्क्स फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट से, 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए और 40% मार्क्स रखे गए मिनिमम फॉर रिजर्वड कैटेगरी वालों के लिए। एज होनी चाहिए आपकी 17 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स के दरमियान। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड अदर यूनियन टेरिटरीज, फॉरन नेशनल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है एलिजिबिलिटी वह है कैंडिडेट ने 10+2 पास किया हो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो परसेंटेज होना चाहिए नॉट लेस देन 60%। तो 60% से कम परसेंटेज नहीं होने चाहिए। एज जो रखी गई है वो है मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। उसके बाद हम बात करेंगे हम बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन सेरिकल्चर। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई फॉर रेजिडेंट्स डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी लद्दाख कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट ने 10+2 पास किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में, तो परसेंटेज होनी चाहिए नॉट लेस देन 50% फॉर ओपन मेरिट और 40% रखे गए फॉर रिजर्वड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एज जो रखी गई मिनिमम 17 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। एलिजिबिलिटी जो रखी गई फॉर अदर स्टेट्स, अदर यूनियन टेरिटरीज, फॉरन नेशनल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियन कैंडिडेट्स से, तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट ने 10+2 पास किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में, जो परसेंटेज होने चाहिए नॉट लेस देन 60%। एज जो रखी गई मिनिमम 17 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई फॉर रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लद्दाख कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट ने 10+2 पास किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो जो परसेंटेज होना चाहिए नॉट लेस देन 50% फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए
और 40% रखे गए फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एज जो है मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स के दरमियान होने चाहिए। और जो एलिजिबिलिटी रखी गई फॉर अदर स्टेट्स अदर यूनियन टेरिटोरीज फॉर नेशनल्स नॉन इंडियन रेजिडेंट्स से, तो कैंडिडेट ने 10+2 पास किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से विथ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो जो परसेंटेज होने चाहिए नॉट लेस देन 60%। एज जो रखी गई मिनिमम 17 ईयर्स मैक्सिमम 28 ईयर्स। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है फॉर रेजिडेंट्स ऑफ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो है, तो उनको अपेयर होना है एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। द सिलेक्शन एडमिशन अंडर ओपन मेरिट रिजर्व कैटेगरी सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी सीट्स के लिए कैंडिडेट्स को अपेयर होना है एंट्रेंस टेस्ट में, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगी कैंडिडेट्स की। फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज फॉर नेशनल्स कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो जाएगी ऑन द बेस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट 10+2 लेवल। 10+2 में कितने मार्क्स लाए उसके बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी जो डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, फी डिटेल्स, काउंसलिंग, सिलेक्शन, एडमिशन प्रोसीजर सब दिया गया है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में। तो ये जो प्रॉस्पेक्ट है स्कॉस्ट की यूनिवर्सिटी से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो फ्रॉम 5 July 2021 से। और जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 28 July 2021। उसके बाद जो डेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वो नोटिफाई किया जाएगा सेपरेटली। टेस्ट सेंटर जो होंगे एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स वो है श्रीनगर जम्मू लद्दाख, ये भी सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है, एंट्रेंस टेस्ट फी जो है वो है ₹1500 जो आपको ऑनलाइन पेड करना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग थ्रू। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि वो इंस्ट्रक्शन पढ़े इंफॉर्मेशन ब्रोचर में जो दिया गया है, तो उसके बाद फॉर्म भरे। और जिनका जन्म हुआ है जो बारन हुए हैं बिफोर 31 December 1993 और आफ्टर 1 January 2005 में, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये था अपडेट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।